गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। तुम पर नाजिल की गई है, अब वो बात कौन सी है, नबी ने क्या पहुंचाया, हमसे न पूछिए, सारे मुफस्सरीन से पूछिए, इस आयत के नुज़ूल के बाद नबी ने क्या पहुंचाया, जो पहुंचाया है उसी को कुरान हक कह रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुंत कंज़म मख़फ़िया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मेरी मारिफत हो, मुझे लोग पहचाने, तो मैंने मखलूक को पैदा कर दिया। तो कलम क्या है, वो छुपा हुआ खजाना, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर उसकी मारिफत करनी है तो आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरवाजे पे आना ही पड़ेगा। Companions. He decided to be a little mischievous. He decided to be a little funny. He says, Ya Rasulullah, then what about Ali? Is Abu Dhar more truthful than Ali? Look at the reply of Rasulullah. He says, You fool, there is no comparison between any human being and Ali ibn Abi Talib alayhi salam. जब ये तर्जुमा किया, दुनिया ने जब तर्जुमा किया तो ये कह के किया कि दुनिया की हर शय हलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह के चेहरे के। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने किया तो ये कह के किया कि दुनिया की हर शय हलाक हो जाएगी, बस बाकी रहेगा तो हमारा मौला और उसके साथ हम। विलायत का पैगाम भी नशर हो। लेकिन अजीजाने गिरामी, क्या खूबसूरत जुमला मौला ने कहा है, अगर मतलब भी समझ ना आए, जैसे कुरान का एक असर है, कलाम अली का भी इंसान के नफ्स पे असर मुरतब होता है। जब रुकावटें बरतरफ हो गई, जो गायब हुआ था आज भी हाजिर हो गया। बस फर्क इतना है, जब गायब हुआ था तो अकेला हुआ था, जब रजत हुई वापिस आया तो 12-14 को अपने साथ लेके आता है। पहली और आखिरी दफा एक ही मर्तबा नाजिल हुआ, कि जब कहने वाला चीखता हुआ आया, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला सुल्तान। वहां बात और होती है, जहां हजरत ईसा फरमाते हैं उनब्बेकुम बिमा कुंतुम ताकिलून व तदाखिलून फी बुयूतिकुम, यहां इलाही इल्म गैब नहीं होगा। हुज्जत है हजरत ईसा, हुज्जत खुदा है, नबी है, रसूल है, साहिब किताब है, तो यहाँ वो जाती की बात नहीं होगी। जब भी बात अब्दियत पे हो तो फिर बात जाती की नहीं होती, वो उसी की अता होती। हो गया मरना सितम अब्बास का, मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का।